हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे फायरबोल्ट की ये स्मार्ट वॉच, जिसका छोटा सा है बॉक्स और मॉडल नंबर है BSW005 और काफी अच्छी वॉच है, जिसकी प्राइस है वो है 4999 रुपए और सेल में ये हमें मिल जाती है 3999 रुपए में। और जिसके मेन फंक्शन है वो है ब्लूटूथ कॉलिंग और कॉल रिसीव करना, लेकिन ये काम करेगा सिर्फ एंड्रॉइड में, iOS में है वो कॉल अटेंड करने वाला काम नहीं करेगा। बाकी इसमें हार्ट रेट है और SPO2 मॉनिटरिंग है, वो चीज़ें तो ही हैं और काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं अलग अलग टाइप के। तो कुल मिला के डिज़ाइन है वो प्रीमियम है और इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे अच्छी लगी। IP67 की है वो, वाटरप्रूफ की रेटिंग मिलती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो देखिए आप वीडियो को एंड तक और इसके बताता हूँ मैं सारे फीचर्स और कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम अपने आईफोन या एंड्रॉइड से दोनों से, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ आगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर है वो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये है अपने पास फायरबोल्ट की रिंग ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉच BSW005 और काफ़ी छोटा सा कॉम्पैक्ट बॉक्स है। सबसे पहले तो उतारते हैं हम इसका ये प्लास्टिक और प्लास्टिक के बाद में हम देखते हैं कि इसके जो मेन फंक्शंस क्या हैं और कैसा ये प्रोडक्ट है, वो पूरी चीज़ है वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका ये प्लास्टिक उतारते हैं। तो ये है अपनी वॉच, 43mm 1.7 इंच की HD डिस्प्ले है वो दी गई है, विकी कौशल ब्रांड एम्बेसडर है। उसके अलावा SPO2 है वो है, पूरे अच्छे से इसमें काम करता है। कुछ हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड है, IP67 की वाटरप्रूफ की रेटिंग दी गई है, ये काफ़ी शानदार है। स्लीप मॉनिटरिंग है, म्यूजिक है वो सुन सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और देखें तो ब्लूटूथ कॉलिंग है, SPO2 मॉनिटरिंग बताई दिया, हार्ट रेट ट्रैकिंग है। उसके अलावा मल्टीपल वॉच फेस हैं, काफ़ी सारे वॉलपेपर वो हमें दिए गए हैं और इस जगह भी सारी यही जो हाइलाइट्स हैं उनको दोबारा से है वो रिपीट किया गया है। यहाँ से हम स्कैन करके है वो दा फिट एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और 270 mAh की इसके अंदर बैटरी होती है और जो रिक्वायर्ड OS है वो है iOS है वो है 9.0+ और एंड्रॉयड है वो है 4.4+। तो करते हैं हम जल्दी से इसको ओपन और ओपन करने के बाद में ये छोटा सा बॉक्स है और ये कुछ नहीं है ऊपर की तरफ और इस साइड में सबसे ऊपर मिलती है हमें हमारी ये वॉच और बेल्ट है वो है काफ़ी शानदार और एकदम चिकना फिनिश है, लेकिन ऐसा है अगर कहीं से कट लग गया तो एक बार में ही पूरा कट जाएगा, तो वो चीज़ है वो काफ़ी मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी। बाकी वॉच है उसके अंदर थोड़ा सा वेट ज़रूर है। उसके अलावा हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ हमें ये एक मैग्नेटिक है वो कनेक्टर मिल जाता है, USB Type-A वाला पोर्ट है और फास्ट चार्जिंग है वो इसको सपोर्ट करता है। नीचे की तरफ हमें देखें तो यहाँ हमें ये एक G5 की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाती है 1 महीने के लिए। उसके अलावा ये इसका विकी कौशल आ रखा है अपने यहाँ पे वारंटी कार्ड है और ये अपनी इसकी पूरी सेटअप गाइड है। और नीचे की हम देखें तो यहाँ हमें कुछ और मिलता है, वो है 3 महीने का गाना का सब्सक्रिप्शन मिलता है और उसके साथ में हम देखें तो यहाँ बोल्ट प्ले ऐप है वो मेंबरशिप है वो कार्ड मिल जाता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, 2 मेंबरशिप दी गई हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। तो यहाँ हम इन सब को तो रखते हैं वापस और इनको करते हैं हम साइड में। और ये चीज़ है, इसको भी मैं आपको दिखाऊँगा कि ये जो काम है वो कैसे करेगी। अब आते हैं अपनी वॉच पे और सबसे पहले उतारते हैं इसके ऊपर का ये। अगर वॉच की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी है वो कुल मिला के ठीक लग रही है, बस थोड़ा सा जो बेल्ट है वो काफ़ी शानदार है और काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी। और हम इस बेल्ट को है वो निकाल है वो भी सकते हैं, लेकिन निकालने का जो तरीका है वो हमें देखना पड़ेगा, स्लाइड से होगा या फिर कैसे होगा बिल्कुल। और ये स्लाइड से है वो हम इसको आराम से है निकाल सकते हैं और दूसरा बेल्ट है वो इसके अंदर हम लगा सकते हैं। तो दोबारा डालते हैं फिलहाल तो इसको इसके अंदर और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, साइड से ही स्लो स्लाइड होके है ये बेल्ट निकल जाएगा। और पीछे की तरफ हम बात करें तो यहाँ है वो अपनी मेन सेंसर है वो लगा हुआ है, फायरबोल्ट की है वो ब्रांडिंग है और यहाँ अपना ये मैग्नेटिक चार्जर है वो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हम ये चार्जर है ये इसके पास में लाएंगे ये ऑटोमेटिक है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब ये इसका रॉन्ग साइड है तो ये कनेक्ट नहीं होगा, हम इसको इस साइड से कनेक्ट करेंगे तभी ये कनेक्ट होगा और ये एकदम से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। दूर रखेंगे तब भी आके ये अपने आप यहाँ से चिपक जाएगा, इधर रखेंगे तो भी ये यहाँ जाके चिपक जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये मैग्नेटिक चार्जर है ये कुल लगे अच्छा है। अब करते हैं हम वॉच को बूट, तो वॉच है वो हो गई अपनी बूट और इस तरीके का इसका मेनू है, हम चारों तरफ से ऐसे घुमा के आराम से है मेनू है वो चेक कर सकते हैं। और जैसे ही हम एक बार इसकी सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग ओपन करते हैं तो ये जो स्क्रोलर है ये ऐसे घुमाने पे काम नहीं करता है, ये सिर्फ बैक जाने के लिए है। ये मैन वॉच फेस है, साइड से हम
इसके कुछ शॉर्टकट हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टेप्स वगैरह हैं और नाइट मोड वगैरह है, बीपीएम वगैरह है, सारे जो मोड्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। नीचे की तरफ से हम इसको अगर स्वाइप करें तो यहाँ से हमें मैसेजेस वगैरह वो रीड करने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ से हम स्वाइप करें तो ऊपर की तरफ से स्वाइप करने पे हमें मिलता है कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म जिसमें हमें बैटरी वगैरह, टाइम वगैरह सारी चीज़ें दिखाता है। ब्राइटनेस है वो यहाँ से हम डायरेक्ट इसकी कम और ज़्यादा है वो कर सकते हैं। जैसे एक बार इस पर टैप किया तो बढ़ गई, फिर से टैप किया तो और बढ़ गई, फिर से टैप किया कम हुई। तो फिलहाल हम इसको इतना ही रखते हैं ताकि वीडियो है वो क्लियर दिखाई दे। अब आते हैं इसके मेन मेनू पे और कनेक्ट करते हैं हम इसको एक बार अपने फ़ोन से। और फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एप्लीकेशन वो इंस्टॉल करनी होगी। तो ये QR कोड है वो आप बॉक्स पे भी है QR कोड, तो वहाँ से भी डायरेक्ट है वो स्कैन करके वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही हम स्कैन करेंगे और स्कैन करते ही अपने पास ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे ही हम इसे स्कैन करते हैं अपने पास इंस्टॉलेशन के लिए iOS हो या फिर एंड्रॉयड हो, दोनों में अपने पास ऑप्शन मिलता है। और ये दाफिट एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल होगी इसमें, तो बाकी जो काम है वो देखते हैं इंस्टॉलेशन के बाद में। और छोटी सी एप्लीकेशन है, ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, तुरंत वो डाउनलोड हो जाती है। और ये काफ़ी कुछ अलाउ वगैरह अपने को पूछ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम करते हैं ऐड ए डिवाइस, और जैसे ही हम ऐड ए डिवाइस करते हैं इसको अलाउ करते हैं और ये BS5 वॉच अपनी आ गई है यहाँ, और वॉच अपनी पेयर हो चुकी है। जैसे ही मैं इसके अंदर प्ले करता हूँ तो यहाँ से है ये म्यूजिक है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से हम पोज भी कर सकते हैं और बैक जा सकते हैं। इसके अलावा पूरा जो कैमरा सिस्टम है हम इसका वो भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ से जाके। जैसे ही हम यहाँ से इसमें कैमरा निकालते हैं तो जैसे ही हम कैमरा ओपन करेंगे फ़ोन में भी कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और आराम से है वो फ़ोटो हम कैप्चर कर पाएंगे। और ये आ गया है अपने पास, तो ये कैमरा ओपन हो चुका है, कैप्चर करना चाहें कैप्चर कर सकता है और फोटो है वो आप देख सकते हो कैप्चर हो चुकी है। उसके अलावा वापस जाते हैं इसके अंदर, बैग जाते हैं, तो जैसे इसमें बैग जाएंगे यहाँ भी है वो, हम यहाँ से बैग जा सकते हैं इसके अंदर। और एक बार हम इसमें हार्ट रेट चेक करते हैं और ब्लड ऑक्सीजन चेक करते हैं, फ़ोन से भी कर सकते हो और आप वॉच से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको हम कलाई पे बांधते हैं और इसको हमें टाइट बांधना पड़ेगा ताकि जो रीडिंग है वो प्रॉपर आ सके। और इसको हमने कलाई पे बांध लिया है, तो यहाँ से हम चाहे रीडिंग है वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, तो यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको, और BPM है वो है 83। अब चेक करते हैं हम इसका एक बार SpO2, और SpO2 के लिए हम यहाँ जाते हैं, ये ब्लड ऑक्सीजन बताएगा अपने को, स्टार्ट कर देते हैं। ये जो सारा डाटा है ये फ़ोन में रिकॉर्ड होता है, लास्ट 7 डाटा है वो हम इसमें चेक कर सकते हैं। और BPM SpO2 आ गया है 98, तो ये सारी चीज़ है वो हम अपने फ़ोन में भी देख सकते हैं। आप इसमें देख सकते हो 83 BPM आ गई है और ब्लड ऑक्सीजन है वो है 98 आ गया है, और यहाँ से लास्ट 7 एंट्रीज है वो हम चेक कर सकते हैं। तो यही था इस वॉच का पूरा हिसाब किताब। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसे अगर परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। प्राइस है इसकी नॉर्मली चलती है 4,999 रुपये, और अगर आप सेल में इसको परचेज करेंगे तो आपको ये 3,999 रुपये में भी मिल सकती है। और वाटरप्रूफ है, IP67 की रेटिंग है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है और कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, एकदम मतलब हाथ पे सही सेट होती है। तो कुल मिला के इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, नए प्रोडक्ट के साथ में। तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।